नमस्कार दोस्तों, आपको सभी का सुबह सुबह का। अभी हमें बनारस और बाबरपुर एयरपोर्ट के पास ये हाईवे है। ये जो आप हाईवे देख रहे हैं, ये बनारस से लेकर बाबरपुर एयरपोर्ट तक हाईवे जाता है। उसके आगे जौनपुर तक चला जाता है। जौनपुर से आप सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से लखनऊ तक हाईवे जाता है। बनारस बहुत अच्छा रास्ता हो गया है, जो आराम से गाड़ियाँ जाती हैं, कोई रुकावट नहीं होती है। यहाँ फोर लेन बने हुए हैं। ऊपर हाईवे में आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि जो हाईवे बने होते हैं, जो ओवरब्रिज यहाँ पर है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बने रहते हैं। जैसे कोई बाहरी लोग आते हैं, विदेशी सैलानी आते हैं या दूसरे शहर से लोग आते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है यहाँ देखने के लिए। इस हाईवे पर पूरे बनारस की संस्कृति से लेकर कलाकारी और घर की घरेलू कलाकारी हर तरह से डिजाइनिंग दिखा दी गई हैं। हमारे पौड़ी जो कथा होती है, राजा महाराजाओं के बारे में भी बताया गया है। अभी हम आपको अपने वीडियो में दिखाने जा रहे हैं कि ओवरब्रिज पर क्या क्या बने हुए हैं, क्या क्या डिजाइन बने हैं। यहाँ घर घरेलू गृहस्थी के बारे में हमारे जितने राजा महाराजा थे, ऋषि मुनि थे, पौड़ी कथाएँ थी, जो हम लोग टीवी और अखबार न्यूज़ और पेपर में पढ़ते थे, किताबों में पढ़ते थे, आपको सब देखने के हम दिखाएंगे अभी आपको हम। गाइस, ये जो ओवरब्रिज आप देख रहे हैं, ये बनारस से जाता है सीधे लखनऊ होते हुए आगे। ओवरब्रिज पे ये आपको देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ बहुत अच्छे से डिजाइन्स बने हुए हैं, कलाकारी बनी है। हमारे पुराने जितने सांस्कृतिक चीज़ें थी और अभी भी जो बनारस नए नए चीज़ें बन रही है, हमारे घर गृहस्थी के सब चीज़ें आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पे ढोलक और पहले जमाने लोग ऐसे गाना गाते थे, आपको यहाँ दर्शाया गया, देख सकते हैं। अब तो अभी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अच्छे अच्छे आ गए हैं कि ढोलक के गाने बंद हो चुके हैं। दोस्तों, आप वीडियो में देख रहे हैं काशी का रामलीला का पोस्टर यहाँ बना हुआ है। राजा रानी बैठे हुए हैं और उनके सब सेवक हैं। ये दोस्तों काशी का रामलीला का बारे में दर्शाया गया है। बहुत अच्छी पेंटिंग बनी हुई है, जिसने भी बनाया है बहुत अच्छा कलाकार होगा। बनारस में हर साल रामलीला होता है। पेंटिंग में दिखाया गया है कि जो कलाकार है, उन्होंने अपने सब मुकुट पहने हुए हैं, कोई राम बने हैं, कोई हनुमान जी बने हुए हैं। अब वीडियो में देख सकते हैं। काशी का रामलीला के साथ पोस्टर्स बने हुए हैं। रामलीला इस तरह हर साल मनाई जाती है बनारस में। ये गृहिणी है, अपने घर में बच्चों कैसे पालते हैं, कैसे खिलाते हैं उनको, उनके घर के किचन का विवाह दिखाया गया है इसमें। बनारसी चाय, आप सभी को पता है, आप सभी लोग चाय पीते हैं सुबह सुबह। यह भी पेंटिंग बहुत अच्छी बनाएगी, बनारसी चाय का विवरण दिखाया गया है। यहाँ पर साधु महाराज का पोस्टर बना हुआ है। ये चिड़हरर का पोस्टर बनाया है। आप लोगों ने पौड़ी कथा देखी होगी, आपको मालूम होगा इसके बारे में, इसका ये देश कब हुआ था, कब ऊपर श्री भगवान देख, श्री भगवान का पोस्टर बना हुआ है। यहाँ पर घाट संध्या का पोस्टर बना हुआ है।
इस तरह से ही पूरे ओवरब्रिज, कम से कम आधा किलोमीटर के ओवरब्रिज है। पूरे भारत का सांस्कृतिक से लेके घरेलू चीज़ें लेके जितने नए नए कार्यक्रम, सबके पोस्टर बनाए गए, लोगों को याद कराया जाता है। ये सब दोस्तों हमारे सनातन धर्म की कहानियाँ हैं। लोग सनातन धर्म भूलते जा रहे थे, तो इस तरह से बनाया गया रोड। इस रोड से कोई भी गुजरेगा आगे या ऊपर से नीचे से, एवं पुल के दोनों साइड ही पोस्टर बने हुए हैं। हर चीज़ नया नया बताया गया, पूरे हमारे सनातन धर्म के बारे में बताया गया है। लोग भूलते जा रहे थे सनातन धर्म के बारे में। ये प्रभु हमारे कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, जिसके बारे में पौराणिक कथा पता होगा तो उनको पता होगा अर्जुन कौन थे, भीष्मान कौन थे। आपके ज़माने के बच्चे को सब बारे में नहीं पता होता है, ना टीवी में आते हैं, ना किताबों में दिया जाता है। यहाँ दुर्गा माँ जी है, महिषासुर मर्दिनी, जिन्होंने दुर्गा महिषासुर का वध किया था। दुर्गा माँ सबको पता है हमारी माता रानी है। संगीत कलाकार का बताया गया है, ढोलक नगाड़े। अभी आप लोग शादी पार्टी में देखते होंगे ऐसे ढोलक और बाजा देखते होंगे। तुलसी पूजन है, तुलसी जी की पूजा कर रही हैं। यहाँ गिरडी मालाएं हैं, उसका पोस्टर बने हैं। मोर की बहुत अच्छी पेंटिंग हुई है, मोर को देखने में अच्छा लग रहा है। आज वीडियो में संध्या पूजन हो रहा है, शाम को लोग पूजा करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई हैं, रानी लक्ष्मीबाई की कथा सबने सुना ही होगा। उन्होंने अंग्रेजों से बहुत लड़ाई किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मशान की होली हमारे बनारस मनाया जाता है। यहाँ साधु संत होते हैं, पूरे मशान से होली खेलते हैं। सब नंगा बाबा जो पुजारी होते हैं, ये हमारे प्रभु महाकाल जी हैं, भोलेनाथ। भगवान की पूजा हो रहा है यहाँ पर, फोटो में दिखाया गया है। दुर्गा मंदिर हमारे बनारस, दुर्गा मंदिर दुर्गा कुंड में पड़ता है। हर बनारसी वासी को पता ही होगा दुर्गा मंदिर कहाँ पर है। उसका फोटो बहुत अच्छा बनाया गया है, तो पोस्टर बहुत मस्त दीवार बने हैं, अच्छे लग रहे हैं। ये बुद्ध प्रतिमा है, भगवान जी बुद्ध भगवान है, अपने शिष्य को उपदेश दे रहे हैं। बुद्ध भगवान के बारे में सभी को पता होगा, पूरे भारतवासी को पता होगा। और यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जो कथा लिखे थे। आप सबको पता होगा कौन से कथा लिखे थे, किस भगवान के बारे में लिखे थे। और यहाँ पुष्टम तुलसी घाट दिखाया गया है, जो गंगा जी के किनारे तुलसी घाट बना है। आप बनारसी वासी को पता है तुलसी घाट कहाँ पर है, किसी को तुलसी घाट अगर जाना हो, आप नहीं जानते हैं कहाँ पर है, तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको पूरा एड्रेस और लोकेशन बता देंगे। वहाँ बनारस में वहाँ से रेलवे स्टेशन से कितना दूर है, कैसे आपको ऑटो पकड़ना है, कैसे जाना है। और ये दोस्तों ये बाबतपुर चौराहा है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर आप बाबतपुर एयरपोर्ट आपको जाना होगा जा सकते हैं, और सीधा चले जाएंगे लखनऊ चले जाएंगे। ये रास्ता सीधे बाबू एयरपोर्ट जाता है। अभी यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है, हल्का हल्का बारिश हो रही है तेज से, तो हम थोड़ा रुके इसलिए वीडियो बना रहे हैं अभी। यहाँ पूरे दीवारों पर अच्छे अच्छे पोस्टर बने, देखने का आपको बहुत अच्छा लगेगा।
ये पुल के नीचे का नज़ारा बहुत देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पर अर्थ हमारे पूरा दर्शाया गया, बहुत अच्छा बना हुआ है। पृथ्वी माता जी के ऊपर कबूतर बैठे हुए हैं। यहाँ पुल नीचे आपको मार्केट मिलेंगे, आपको खाने पीने सारा सामान मिलेंगे।